शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेटी, भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। मेरे लिए भक्ति सबसे बढ़कर है और तुम मेरी भक्ति का फल, इसलिए मैं तुम्हें अपने जीवन में खोना नहीं चाहता हूँ। बेटी, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अपनी भक्ति भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। बेटी, हम आपकी चिंता समझ रहे हैं, पर याद है जब कंस ने भगवान कृष्ण को मथुरा आने का न्योता दिया था, तब यशोदा मैया भी इसी तरह अपने लल्ला के लिए डर गई थी। सोचिए, अगर उस समय यशोदा मैया ने अपना निर्णय बदल लिया होता तो क्या कभी कंस का अंत हो पाता? वो एक भगवान थे और मैं विवश पिता हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा हूं। क्या तुम मुझे इस बात का आश्वासन दे सकती हो कि आने वाले जीवन में तुम पर कोई संकट नहीं आएगा? बाबा, भविष्य के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बस बेटी, इसीलिए कहता हूं मुझे मत रोको, मुझे अपने पिता का धर्म निभाने दो। बाबा, हम बस इतना के एक पिता अपनी बेटी से विनती कर रहा है। बेटी, अरे बाबा, ये मेरा अंतिम निर्णय है तुझे, मुझे अपना पिता धर्म निभाने दो। पर बाबा, माँ रोकी ना बाबा को। नहीं तुलसी, तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं। तुम्हें अभी पता नहीं है कि ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए कितनी बुरी है। हे लड्डू गोपाल, अब इस मुश्किल घड़ी में हम क्या करें? मानव जीवन की यही विडंबना है कि सच्चे से सच्चा मनुष्य भी अक्सर सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के उलझनों के मध्य फंसकर ऐसे निर्णय ले लेता है जिसका परिणाम किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता, क्योंकि क्रोध में, भावुकता में या भयभीत होकर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, सही अर्थों में वो निर्णय नहीं होते, वो केवल उन परिस्थितियों से बचने के लिए समझौता मात्र होते हैं, इसलिए उनके परिणाम भी घातक होते हैं। हे लड्डू गोपाल, हम जानते कि इस धर्म युद्ध में आप हमेशा हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि आप हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे, पर ये बात हम बाबा को कैसे समझाएं? कैसे दिखाएं उन्हें वो भविष्य जो अभी तक घटा ही नहीं है? तुलसी, हमारे वर्तमान के कर्मों से ही हमारे भविष्य का निर्धारण होता है। तुम्हारे पिता अपना पिता धर्म निभा रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, इसलिए इस समय मैं भी तुमसे वही कहूंगा जो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से कहा था। अपना कर्म करो तुलसी, और शेष सब मुझ पर छोड़ दो। एकदम घातक। एक बात बताएं फाल्गुनी जी, अगर आप चुनाव में खड़ी हो गई ना तो बिना लड़े जीत जाएंगे। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगाइए, बाबूजी के आगे तो जुबान नहीं खुलती आपकी। वो बाबूजी है हमारे, इसलिए रिश्ते और उम्र का लिहाज रखना पड़ता है। नहीं तो तुम तो जानती हो। बस बस, हम सब कुछ जानते हैं। भैया को 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया और आपको क्या मिला? ठनठन गोपाल। ऊपर से ये मुग्धा भाभी है ना, ये भी कम नहीं हो, दिन रात हमारे ऊपर हुकूमत चलाती है। देखिए, हम बता रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, ये मुग्धा भाभी ना एक दिन हमसे घर का झाड़ू पोछा भी करवा लेगी। बिल्कुल संभव नहीं है। आप धर्म पत्नी है भाभी विधायक की, और आप झाड़ू पोछा कीजिएगा। ये आंसू पूछ तो है? और गुस्सा तुम? ठीक है, आप ही बताइए, चाहते क्या है आप? एक वाइफ अपने हस्बैंड से क्या चाहती है? उसका साथ। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, फिर देखिए हम आपको कैसे MLA बनवाते हैं और सबको आपका सर्वेंट।
तो बताइए, देंगे आप हमारा साथ? करिए प्रॉमिस। करना क्या है? यही तो प्रॉब्लम है आपकी, आपको ना सब कुछ बताना पड़ता है। अरे निकालिए अपना फोन और बनाइए हमारे रील्स। निकालिए निकालिए। देवर जी, देवर जी, बाबूजी ने कहा है रजिस्ट्रार कल सुबह टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। ये भाभी भी ना, इनकी खुद की जिंदगी में तो रोमांस है नहीं, और हमारा रोमांस ऐसे देखा नहीं जाता। जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने हमारी। बाबू कहाँ है दिया? आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? वंशावली, वंशावली, तुलसी धाम के कुछ कागजात थे उसमें। मैंने संभाल के रखे हैं। तो लाओ जी, मैं अभी देती हूँ। तुलसी धाम, हमारे प्रभु का धाम, जिसे मेरे गुरु दादा कुम्मन दास जी ने अपने पुत्र रघुनंदन जी को दिया, रघुनंदन जी ने अपने पुत्र तिलक को दिया। इस तरह हमारी वंशावली चलती रही और आज ये पवित्र धाम मेरे पास है। हमारे पूर्वजों ने इस पवित्र धाम की बहुत रक्षा की है जी। मैं रक्षा नहीं कर पाया सुमित्रा, इस पवित्र धाम। ऐसा मत कहिए, आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है। क्या हम ये तुलसी धाम, वृंदावन, मथुरा छोड़ के कहीं दूर नहीं जा सकते? सुमित्रा, त्रिगुण सोलंकी हमें कहीं भी ढूंढ लेगा। और फिर नहीं नहीं, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सुमित्रा। आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया था। अब मैं अपनी पराजय भी आपको समर्पित करता हूं। सब ठीक हो जाएगा। जीत को अपनी जय और हार को स्वयं की पराजय मानना मनुष्य भ्रम है। गीता का ज्ञान देते हुए मैंने अर्जुन से यही कहा था कि मरता भी मैं हूँ और मारता भी मैं ही हूँ, जीतता भी मैं हूँ और हारता भी मैं ही हूँ, क्योंकि हर भाव में, हर जीव में, हर रूप में मैं ही उपस्थित रहता हूँ। जैसे नर्तक और नित्य एक ही है, वैसे ही सृष्टि और मैं एक ही है। और जो इस परम सत्य को जान जाता है, जो मैं को त्याग कर स्वयं को मुझे समर्पित कर देता है, केवल वही सच्चा कर्मयोगी होता है। ये लड्डू गोपाल भी हमेशा आधी बातें बताते। ये तो बता दिया कि कर्म करो, पर कौन सा कर्म करो ये बताया ही नहीं। तो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लिया? वो क्या है ना, हमें लगा था कि इतने होशियार होशियार दोस्त मिले, कोई ना कोई आइडिया तो जरूर दे देंगे, पर यहाँ सब नील बटे सन्नाटा है। मिल गया, आइडिया आ गया। क्यों ना मैं अंकल को लेके चारों धाम की यात्रा पे निकल जाऊं। अंकल ना यहाँ पे रहेंगे, ना किसी पेपर पे साइन कर पाएंगे, है ना? वाह, जैसे कि हमारे बाबा तुम्हारे साथ चारों धाम की यात्रा पर जाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तुम लोग रहने दो, हम खुद ही कुछ सोच लेंगे। सखी, लड्डू गोपाल आप यहाँ? हमें तो लगा कि कर्म के इस मार्ग पर हमें अकेले ही चलना है। सखा हो ना, तुम्हारी परेशानी देखे नहीं गई, इसलिए चला आया। और फिर इस समस्या का सामना तो मैं भी कर चुका हूँ। इस समस्या का सामना और आप? हम कुछ समझे नहीं लड्डू गोपाल। सखी, जैसे आज त्रिगुण सोलंकी तुमसे तुम्हारे सारे अधिकार छीन लेना चाहता है,
वैसे ही कंस मामा भी मेरे बाबा से सारे अधिकार छीनकर मेरा अस्तित्व मिटाना चाहते थे, पर हमारे जन्म लेते ही हमें कुछ अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं, जिसे इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं छीन सकती। तुलसी, किससे बात कर रही हो तुम? हाँ हाँ, आओ माधव से बातें करो। काम के न काज की बातें जहान की, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते थे तुम दोनों? देख नहीं रहे थे हम लड्डू गोपाल से बात कर रहे? पर इशारों इशारों में लड्डू गोपाल ने हमें तुलसी धाम को बचाने का रास्ता दिखा दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो करता हूँ मैं ही करता हूँ, पर लगता है तुलसी ने इस ज्ञान को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। चल पढ़िए। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।